हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकुल फोटोग्राफी। जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली न्यू वीडियो डालता रहता हूँ एडिटिंग के रिलेटेड। आज हम करने वाले हैं ऑटम लुक एडिटिंग इस टाइप की। सो गाइस, इस टाइप की एडिटिंग के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, मैंने किस तरह से फोटो एडिटिंग करी है इसके अंदर, और आप वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। सो गाइस, एक चीज़ इंपॉर्टेंट और, जो हमारी फोटो के अंदर मॉडल है उनका नाम है अंकित वर्मा फोटोग्राफी। गाइस, मैं उनके पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। आप दिल्ली में कहीं भी किसी भी तरह का शूट करवा सकते हैं, लाइक वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, आपका नेचर फोटो शूट या आपका खुद का फोटो शूट आप उनसे करवा सकते हैं इन लोएस्ट प्राइजेज में। सो गाइस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उनको मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैं डेली किस टाइप्स की वीडियो लाता हूँ। चलो मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम अपनी फ़ोटो ओपन कर लेते हैं। जो हमारे ये फ़ोटो में जो मॉडल है, इनका नाम है अंकित वर्मा और इनका पेज है अंकित वर्मा फोटोग्राफी। मैं इनके पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उनको इंस्टाग्राम पे डीएम करके वहाँ पे किसी भी टाइप का फ़ोटोशूट करवा सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपनी फ़ोटो का वेस्ट पार्ट जो है इसमें से हटा देते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एक्सपोज़र। एक्सपोज़र में हम जाएंगे कर्व टूल में। कर्व टूल में जाने के बाद हम थोड़ा सा जो आपका गाइस ऊपर का पार्ट है वो होता है आपका शेडोज़ एंड नीचे का होता है हाईलाइट्स, तो हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। आपको अपनी फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट करना है। सो मेरी फ़ोटो में थोड़ा वाइटनेस ज़्यादा थी। सो अब हम करेंगे इसके अंदर हाईलाइट्स को डाउन एंड हम करेंगे इसमें थोड़ा सा वाइटनेस को भी पूरा माइनस, ब्लैकनेस को हल्का सा फुल, देन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे हम। ओके, सो गाइज, हम जाते हैं वाइब्रेंस में। सो हम जाएंगे इसके अंदर टूल में। सो गाइज, जो टूल होता है ना, ये आपकी फ़ोटो के अंदर ऑटोमेटिकली कलर को बैलेंस कर देता है, जैसे कि अभी मैंने इसमें कर लिया है। देन हम थोड़ा सा इसके अंदर अब करेंगे कलर एडिटिंग। कलर एडिटिंग करने के लिए हम सबसे पहले आप देख सकते हैं थोड़ा वाइब्रेंस को कम कर रहा हूँ। ओके गाइज, फिर आपको थोड़ा सा सेचुरेशन को प्लस करना है। देन आपको जाने कलर टूल में, ग्रीन टोन को थोड़ा सा हम कर देंगे, पहले रेड टोन को हम कर देंगे थोड़ा माइनस में थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ाएंगे ऑरेंज कलर की, जिससे हमारा थोड़ा फेस ग्लो रहे। देन हम थोड़ा सा इसकी सेचुरेशन भी बढ़ा लेते हैं। देन हम थोड़ा सा इसकी ह्यू को भी बढ़ा लेते हैं एंड शेडो को इसको ज़्यादा माइनस नहीं करेंगे, थोड़ा ऑरेंज शेड में रखेंगे। देन हम इसकी सेचुरेशन को प्लस कर देंगे। ओके, सो गाइस, ग्रीन की हम सेचुरेशन को भी थोड़ा सा माइनस में रखेंगे और इसको भी थोड़ा माइनस में रखेंगे। देन हम थोड़ा अपना ब्लू टोन को भी चेंज कर देते हैं माइनस में, इसको भी माइनस में, एंड थोड़ा पर्पल और पिंक को भी थोड़ा माइनस रखेंगे हम, जिससे कि हमारे जो वाइब्रेंस है वो थोड़ी कम रहे। ओके, अब आप देख सकते हैं फ़ोटो में क्या टोन आ चुकी है, थोड़ी ऑरेंज टोन अभी आ चुकी है इसमें। देन अब हम इसमें ऑटम टोन डालने के लिए थोड़ा सा इसको टेम्परेचर कर देंगे प्लस। देख सकते हैं इसके अंदर अब हमारे आ चुकी है ऑटम टोन। ओके गाइस, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है ये आपका विग्नेट वाला जो ऑप्शन होता है इसके अंदर। थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, थोड़ी सी हम क्लैरिटी पहले बढ़ा के देखते हैं हमारी फ़ोटो में थोड़ी सी ऑटम टोन का क्या हमारा कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है। ओके, थोड़ा सा हम इसको माइनस करके देखते हैं एक बारी, थोड़ा सा हम इसको माइनस करेंगे थोड़ा सा। देन अब हम थोड़ी सी विग्नेट को कम कर देंगे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा और बस, उसके बाद थोड़ा सा मिड पॉइंट माइनस में रखेंगे। देन उसके बाद हम थोड़ा सा फेदरनेस को बढ़ा देंगे। ओके, फिर हम जाएंगे शार्पनेस में। गाइस, दोनों आपको अपनी दोनों उंगलियों से दबा के रखना है। ओके, सो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर पाओगे, हमारी शार्पनेस अलग दिख जाएगी कहाँ कहाँ पे हमारी शार्पनेस आई है। देन सेम हम मास्किंग को करेंगे दोनों उंगलियों से। जब आपकी वाइट वेड लाइन ज़्यादा ग्लो हो जाए ना, तब समझ जाना कि मास्किंग हमारी हो चुकी है। अभी मैं आपको थोड़ा मास्किंग का दिखाता हूँ, क्या क्या इसमें अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं होता इसमें डिफरेंस। बस जूम करते हैं फ़ोटो को, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड और आपकी जो ये बॉडी है इसके बीच में आपको एक डिफरेंस दिख जाएगा थोड़ा सा। मैंने देखो माइनस कर दिया बिल्कुल, अब आपको इसमें दिख जाएगा। ओके, देन हम इसको करते हैं छोटा, थोड़ा सा हम नॉइस रिडक्शन को भी प्लस करेंगे।
बस ओके देन गाइस, हमारी जो है फ़ोटो अब थोड़ी सी रेडी हो चुकी है। बट गाइस अब यहाँ पर एक ट्रिक है, वो आप ट्रिक समझ लीजिए। गाइस ट्रिक ये है कि जो हमारा सिलेक्टिव टूल होता है ना, जो भी आपकी कोई भी फ़ोटो होती है जिसके अंदर आपका स्काई होता है, वहाँ पर आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। आप कोई PNG कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर से एक लेंस फ्लेयर, इतना अच्छा लेंस फ्लेयर आप इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत बढ़िया लेंस फ्लेयर इसमें आप ऐड कर सकते हो फोटो के हिसाब से। सो गाइस अभी मैंने इसको ऐड कर लिया है थोड़ा स्काई की तरफ से, जहाँ से थोड़ी सी हमारी वाइट वाइट सी जो फ्लेयर बॉडी और थोड़ा हेयर के ऊपर आएगी। हम इसका थोड़ा एक्सपोजर प्लस करेंगे। एक्सपोजर प्लस करके आप देख सकते हैं इसके अंदर एक क्या बढ़िया सी लुक आई है, जो लेंस की जो लुक आई है और कैसे नहीं आ सकती। देन अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को फेस के कलर से मैच करना है। जैसे मेरे जो मॉडल के जो हैंड है थोड़े ब्लैक लग रहे हैं, सो अब हम इसको थोड़ा कलर मैच करेंगे। आपको जो इसका पेंट वाला जो टूल होता है, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे हम एंड पेंट वाला ब्रश सेलेक्ट करेंगे एंड थोड़ा सा इस पर हैंड पे मारेंगे एंड हम इसका एक्सपोजर को जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, जिससे हमारा थोड़ा फेस और हैंड का जो है कलर मैच हो जाएगा। बस अब आप देख सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी इसके अंदर कलर ग्रेडिंग कर दी है, लाइक अ ऑटम टोन। और गाइस इस फोटो का प्रीसेट आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसका प्रीसेट बिल्कुल आपको दूंगा, मैं भी दूंगा अगर आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करेंगे कि हाँ हमको इसका चाहिए प्रीसेट। देन आपको थोड़ा सा नीचे से क्लैरिटी बढ़ा देनी है अपनी फ़ोटो के हिसाब से। गाइस प्रीसेट जो है थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है, बट वो आसान होता है हमारे लिए, बट आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सो आप एडिटिंग अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो मैं उसको प्रीसेट के लिए बता दूंगा। आप कमेंट जरूर करिए कि हाँ आपको ऑटम टोन प्रीसेट चाहिए, तो मैं आपको ऑटम टोन प्रीसेट भी ज़रूर अवेलेबल करवा दूंगा। अब हम अपनी फ़ोटो को देखते हैं क्या हमारी ऑटम टोन इसके अंदर कितनी अच्छी आई है नहीं। आप आफ्टर बिफोर भी देख सकते हैं मैंने किस तरह से एडिटिंग करी है इसके अंदर अपनी फ़ोटो को। आप क्लैरिटी भी देख सकते हैं, मैंने कोई भी अनदर ऐप यूज़ नहीं किया है लाइटरूम के अलावा। और गाइस लाइटरूम अगर आपके पास प्रीमियम लाइटरूम नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो भी दे दूंगा। ओके गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्रीसेट के लिए मुझे बता दीजिए कि आपको प्रीसेट का लिंक चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच गाइज़।